हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोच के टीवी का आगू में बैठ जाता था। अच्छा, हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना। हाँ। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। भाई साहब कल्पना तो है, जैसे बच्चों के नर्सरी केजी वन में पाठ होते हैं, मात्रा नहीं होती है, अमर घर चल। हाँ। चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेहा जी आप भी पढ़ी लिखी होंगी मैं सोचता हूँ। इतना पहली तो पढ़ी होंगी। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत अच्छे, बहुत। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई अब काहे की पढ़ाई, बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ, टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया था, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की दो आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है जी। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के दो प्रकार पाए जाते हैं। अच्छा? एक जोरू का गुलाम, शैलेश जी जी, एक जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्या कहने हैं, जितने लोग बैठे हैं दिन में एक डायलॉग 20 बार बोलते हैं टाइम नहीं है। हाँ। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। अच्छा, टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जिसको देखो टाइम नहीं है। अच्छा आजकल क्या है, रहस्य में टाइम नहीं है व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बजाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और कोई बंबई में आतंक मचाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई आपकी कविताएं सुनने के बाद मैं सिर्फ एक वाक्य कहूंगा कि सुरेंद्र दुबे जब आप कविताएं सुनाए तो जनता के पास कितना भी काम क्यों न हो वो ये नहीं कहेगा कि टाइम नहीं है। वो आपकी कविताएं सुनेंगे, सुन के तालियां बजाएंगे। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत। इसी बात पे हम लेते हैं एक अल्प विराम। माना कि मेरे बेटे तुझ पे मरते हैं, ये मत भूल कि तेरे ससुर भी मुझसे डरते हैं। ओ मेरी जान मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान, क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान। क्योंकि ये वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में कई चीजें होती हैं, जैसे मित्रों
सुरेन जी, हुआ यूं कि एक बार एक नेताजी गांव के स्कूल का दौरा करने चले गए, तो वहां बच्चों से पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले सर कोई वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर 6 महीने से कोई टीचर ही नहीं है, हम तो यूं ही बैठे हुए। तो नेताजी बड़े आश्चर्य में बोले फिर ये स्कूल चल कैसे रहा है? बोले वैसे ही जैसे देश चल रहा है। वाह वाह वाह। तो हमारा देश भी भगवान भरोसे चलता है, और कल्पनाओं में तो आदमी भगवान के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे रहता है, क्योंकि जो जैसा चाहता है वैसा सोचता है, वैसी कल्पना करता है। चलिए फिर मैं भी आपके लिए कल्पना करती हूँ। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। मत करना प्लीज। मैं पर कर दी ऑलरेडी, बस बताना बाकी है। बताओ। हाँ शैली जी, सोचिए, कल्पना बड़ी सिंपल सी है। सोचिए कि आप अगर प्रधानमंत्री बन जाओ तो मैं 3 दिन में गरीबी मिटा दूंगा, सारी चीजों के दाम आधे कर दूंगा, और जितनी भी एजुकेशन है सब फ्री, और जितने लोगों को काम नहीं सबको नौकरी पे लगा दूंगा। एक मिनट, आप ये सब करेंगे कैसे? वैसे ही जैसे कल्पना में तुमने प्रधानमंत्री बनाया, कल्पना में मैं ये भी कर लूंगा। लेकिन 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 हम दोनों यहाँ पे अपनी कल्पनाओं का बखान करने के लिए नहीं खड़े भाई, दूसरे लोगों को भी उनकी कल्पना का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जरा देखते हैं दूसरे लोग कैसी कल्पना करते हैं। हाँ हाँ। आचार के बिना फीके हैं पराठे, खा ले बेटा खा ले, वरना बीबी दिखाएगी कराटे। दादी जब चिल्लाती है तो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोती हूँ, पर उन्हें क्या पता ओवर एक्टिंग में तो उनकी ही बोती हूँ। हर तरफ पढ़े का छाया है, किताबों में सुख किसने पाया है, हम तो जाते हैं कॉलेज लड़कियां ताड़ने, प्रोफेसर कहते हैं इतनी बारिश में लड़का पढ़ने आया है। यूं तो हमने भी की थी सीए की पढ़ाई, हाथ में आ गया सीफ और चूल्हा और कढ़ाई, बढ़िया है। ए बी सी डी ई एफ जी, एक जी याद नहीं हुआ, उससे पहले आ गया 3G। बचपन में नानी हमें सुनाती थी परियों की कहानी, अब हम सुनते हैं आज की परी शीला की जवानी। माना कि मेरे बेटे तुझ पे मरते हैं, ये मत भूल कि तेरे ससुर भी मुझसे डरते हैं। तो ये थी आम आदमी की भाषा, जो अलंकारों में नहीं पड़ता, जो लफ्जों की बनावट में नहीं उलझता, जैसा सोचता है वैसा कहता है। तो भाई आम आदमी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह। शशि, वहां से भी कोई कुछ कहना चाहता है? कौन? सर मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ओहो, आम इंसान का कुछ नाम है? विपिन हीरो। ओहो, पर मैं अपनी कविता गाकर सुनाना चाहता हूँ। वो तो सब ठीक है, पर आम इंसान हीरो? वैसे असली हीरो तो इस देश का आम इंसान ही है, तो आइए हम इस देश के असली हीरो से कविता सुने। आइए भाई विपिन हीरो, आइए जरा। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। अच्छा। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान, जिंदगी भर तुझको खुश मैं रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। आज सुबह जल्दी उठ के मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगा। क्या बात है? वो फैन मट्ठी नहीं खाएगी तो मैं ब्रेड बटर लाऊंगा। हाँ ठंडे पानी से जो ना नहाएगी तो गीजर लगवाऊंगा। अच्छा। हाँ लगवाऊंगा। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान, जिंदगी भर तुझको खुश मैं रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान। हाय हाय, हमारा एक दोस्त एक बहुत बढ़िया बात बताई। एक आदमी चाय की दुकान चलाता था और वो भी शायर, बोले हम यादों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। तो ये जो आशिकी है ये कमाल की है। लेकिन विपिन, आपके आत्मविश्वास को बधाई, आपने जिस तरह से कविता सुनाई, हमारे कवि मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा क्या लगा आपको सुनके? मुझे तो ये लगा कि विपिन ने जो कहा है कि चाय की दुकान है, और वैसे मैं शाहरुख खान हूं तो दिखने में तो शाहरुख खान जैसे ही।
थैंक यू सो मच विपिन, आपने यहाँ आके सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जिंदगी के अंदर जो ये लोग जो है वो बड़े इनहिबिशंस रखते हैं और जिसे हिंदी में कहा जाए तो पूर्वाग्रह रखते हैं, आपने सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ये कहा कि सर मुझे कविता सुनानी है। कविता के लिए भाव, कविता के लिए आदर, कविता के लिए अनुराग, आपके लिए सिर्फ तालियां और सिर्फ चार लफ्ज, वाह वाह क्या क्या बात है। थैंक यू सो मच। हेलो, ओ मुगल आजम की मधुबाला, कहाँ खो गई? डूब गई। कल्पना कर रही थी। कल्पना कर रही है? क्या क्या कल्पना कर रही थी? शर्म आ रही है बताने को। तकलीफ वाली बात है, फिर भी जरा बता।